सीएम भजन लाल शर्मा का जापान दौरा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डाइकन कंपनी के ओसाका स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा ने कंपनी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर को भी देखा। डाइकन कंपनी के ओसाका स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया सीएम भजन लाल शर्मा ने और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीएम भजन लाल शर्मा का जापान दौरा दिसंबर में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 होना है और उसी के चलते विदेश दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा अपने जापान दौरे के दौरान उन्होंने डाइकन कंपनी ओसाका स्थित हेडक्वार्टर का दौरा किया और साथ ही कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा भी मौजूद रहे। केजरीवाल की जमानत पर फैसला आज, कोर्ट से राहत मिलेगी या फिर आफत बढ़ेगी, सवाल फिलहाल हर किसी के जहन में है। लेकिन आज सुप्रीम फैसला आएगा और उस पर सभी की नजर है। केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम फैसला, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी आज फैसला आएगा। और हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार लगातार तेजी पकड़ रहा है। आप प्रत्याशी सतीश यादव चुनाव प्रचार में जुटे हैं और आप प्रत्याशी सतीश यादव ने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10 गांवों में जनसंपर्क किया। सतीश यादव ने स्थानीय नागरिकों से मुलाकात भी इस दौरान की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, प्रचार में अब जुट गई हैं। ऐसे में आपके प्रत्याशी सतीश यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के 10 गांवों में लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क किया और कहीं ना कहीं वादे दावे और वोट की अपील।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कभी भी तुष्टीकरण से बाज नहीं आएगी। वहीं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर भी जवाहर सिंह बेढम ने निशाना साधा। लोगों की जब जाने गोपालगढ़ और आसपास का बच्चा बच्चा जानता है कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और दंगे में लोगों की जब जाने जा रही थी प्रशासन को घेर लिया गया था। प्रशासन के कहने पर आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते थे वो और उनके साथ हम सब लोग गोपालगढ़ पहुंचे, समझाइश का काम किया, लोगों की जान बचाने का काम किया और माननीय भजन लाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहाँ डटे और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे बढ़े। अब राहुल गांधी जी अमेरिका में भारत के संबंध में उलझल उल बयान देते, उन बयानों पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस तिलमिला रही, तुष्टिकरण को छोड़ नहीं रही कांग्रेस। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूँगा राजस्थान के विकास में आदरणीय भजन लाल शर्मा जी के साथ खड़े होकर के अब सकारात्मक अपनाएं तुष्टिकरण। नागौर में ही तेजा दशमी की धूम देखने को मिली, जब आराध्य देव वीर तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल में विशाल मेला आयोजित किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा नागौर आवास से खरनाल तक पैदल यात्रा कर रही हैं। ज्योति मिर्धा की पदयात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। मिर्धा के साथ हजारों की संख्या में समर्थक भी तेजा जी धाम तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खरनाल पहुंचकर तेजा जी महाराज के दर्शन करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी खरनाल आएंगे और ऐसे में तेजा दशमी पर खरनाल में आस्था का मेला, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। ज्योति मिर्धा नागौर आवास से खरनाल तक पदयात्रा कर रही हैं और उनके साथ समर्थक भी उनके मौजूद। प्रदेश भर में आज तेजा दशमी मनाई जा रही है। लोक देवता तेजा जी महाराज के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोक देवता के मंदिर में दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मानसरोवर बीटी रोड स्थित तेजा जी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी है। प्रदेश भर में आज तेजा दशमी मनाई जा रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग तेजा जी महाराज के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश भर में आज तेजा दशमी मनाई जा रही है और ऐसे में लोक देवता तेजा जी महाराज के मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। और चलिए अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, कैसी तस्वीरें आज हैं? जो आस्था होती है तेजा जी महाराज के लिए लोगों में उसकी कोई सीमा नहीं होती और आज क्योंकि तेजा दशमी है तो ऐसे में प्रदेश से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आज तक के प्रतीक लोक देवता तेजा जी महाराज की आज तेजा दशमी है, उसको लेकर जो तेजा महाराज के मंदिर हैं उनमें खासा जो है विशेष सजावट की गई है और भक्तों में खासा जो उत्साह है साफ तौर पर देखा जा रहा है। इस समय हम
राजधानी जयपुर के मानसरोवर में बीटी रोड स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर में इस समय मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ पर तेजाजी महाराज के मंदिर में जो है दर्शन करने के लिए उमड़ रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर में विशेष सजावट जो है यहाँ पर की गई है और तेजाजी जयंती को लेकर पूरे प्रदेश भर में जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं यहाँ पर वीर तेजा जयंती आज यहाँ पर मनाई जा रही है, क्या महत्व है इस जयंती का बताइए। हाँ, आज सुबह नरेंद्र नगर चालता हिंदू पुजारी जो मैं 40 साल है, 40 साल जो पुजारी अपनो कर रहे हो तो और बाबा की सेवा कर रहे हो तो और खूब जात्री आओ तो खूब सब काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को जानकारी दी इन्होंने और अभी मैं आपको मंदिर के बाहर का यहाँ पर नज़ारा दिखाना चाहूँगा मनीषा, कि जो भक्तों की संख्या है वो यहाँ पर जो है उमड़ी पड़ी है और लगातार जो है भक्त तेजा दशमी पर आज महाराज के तेजा महाराज के जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हवन कुंड भी यहाँ पर जो है जिसमें नारियल की जो है आहुति यहाँ पर दी जा रही है और बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं आज तेजा महाराज के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जी मनीषा, कुणाल जो भक्त आए हुए हैं जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्या तेजा जी की महिमा है और कितनी आस्था उनकी। ठीक है, अभी हम जो यहाँ पर भक्त मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे क्योंकि लोक देवता और किसानों में खासा तेजा महाराज को लेकर जो है आस्था जो है गहरी आस्था रहती है उसको लेकर आपको पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर लाइव दिखा दूँ मनीषा। यहाँ पर जो है हवन कुंड में नारियल की जो है यहाँ पर आहुति दी जा रही है और बड़ी संख्या में जो तेजा दशमी के उपलक्ष में जो है यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, यहाँ पर भक्तजन भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे, आज तेजा दशमी है, क्या कहना चाहिए। बढ़िया बात है साहब, आज तेजा दशमी को तेजा दशमी का क्या कहना है। तेजा दशमी भारतीय त्योहार है, एक तेजा जी का मेला लगता है ये घर कहीं का। तेजा महाराज को जो है यहाँ पर हुए घर से लोग जो बनाकर लाए हैं और यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो तेजा महाराज को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे तेजा दशमी के उपलक्ष्य। तेजा दशमी का पर्व हर साल ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे और हमेशा ही तेजा जी महाराज की कृपा है इस पूरे मानसरोवर के ऊपर जो आज तक ये चला रहा। बढ़िया, कहाँ से आए आप? मंगियावास से। देखिए यहाँ पर जो राजधानी जयपुर है और उसके आसपास से जो भक्त हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मनीषा पहुंच रहे हैं। जी कुणाल, अगर कोशिश कीजिए, आप अभी पंडित जी से बात कर रहे थे, वो ठीक तरीके से क्या तेजाजी की महिमा है बता पाएंगे। वैसे तो किसानों के लिए, लोगों के लिए, गायों के गौ रक्षक माने जाते हैं, तो ऐसे में आज उनका दिन है, आज लोग अपने घर से भोग बनाकर लेकर आ रहे हैं उन्हें चढ़ाने के लिए। ठीक है मनीष, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाने का पहले कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर इस समय जुटी हुई है और मंदिर में जो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंदिर में जो है भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हम विस्तार से जो है तेजा जयंती के महत्व जानने के लिए जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे हम यहाँ पर बात करने का जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे। पंडित जी, इस जयंती के महत्व के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, क्या महत्व है इस जयंती। हाँ, नाग खा जाए थे, कोई सांप खा जाए, घोड़ा खा जाए, यहाँ का अंडे लाजे थे और बहुत बरसाओ चालू थे, सांप घोड़ा खा फूट टेड़ो जो भी कोई शरीर गलेड़ो हो जाए डॉक्टर से कौन मटे जो मटे थे और सांप घोड़ा गाया भैंसा डांडा में कोई रोग आवे जो सब खावे। तेजा दशमी पर जो तेजा जी महाराज हैं उनको जो है भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया किस नारियल पतासा और अगरबत्ती ये भोग लगा जी बस। क्या नाम है आपका? जगदीश शेखर, जगदीश सैनी।
आपने देखा कि जिस तरह से, क्योंकि जिन लोगों को सांप काट लेता है तो उनको जो है यहाँ पर मंदिर में उनका इलाज किया जाता है, और कहते हैं ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो सांप काटने वाले जो पीड़ित होते हैं उनको जो है राहत यहाँ पर मनीषा मिलती है। इसके अलावा जो भक्त हैं अभी बड़ी संख्या में, अगर हम यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, भक्ति में पूरा माहौल हुआ पड़ा है, और तेजाजी महाराज के मंदिर में नारियल लेकर, पताशे लेकर जो चढ़ाया जाता है मुख्य रूप से, वो बड़ी संख्या में लेकर जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी मनीषा, चलिए कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, भक्तों से बात करने के लिए और पंडित जी से बात करने के लिए। वैसे तो आज की दुनिया में सब डॉक्टर्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था आज भी बची है और उस आस्था का असर भी निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। फिसंगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात में तेजादशमी की पूर्व संध्या पर गांव ढाणी में ढोल धमाकों झांझर के साथ लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धूमधाम से बिंदौरी निकाली गई। मंदिरों में आयोजित भजन संध्याओं में वीर तेजाजी महाराज के गीत गूंजते रहे, और आज तेजादशमी के अवसर पर गांव-गांव ढाणी ढाणी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के कच्चे दूध समेत खीर चूरमे और नारियल का भोग लगाकर परिवार में खुशहाली की मनोकामना की जा रही है। तेजादशमी पर पिसांगन में खाकी दरवाजे के बाहर तेजा चौक, रामपुरा डाबला समेत अन्य तेजाजी के स्थान पर धूमधाम से मेला आज भर रहा है। लाडनू नगर पालिका में ईओ जितेंद्र कुमार मीणा और पार्षद राजेश भोजक के बीच हुआ विवाद पुलिस थाने तक पहुंच गया और दोनों की तरफ से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। इस बारे में नगर पालिका ईओ जितेंद्र कुमार मीणा ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार नगर पालिका में ईओ मीणा और पार्षद भोजक के बीच आज विवाद होते ही नगर पालिका के सभी कर्मचारी नगर पालिका के ताला लगाकर पुलिस थाने पहुंचे। इस दौरान एक अलग रिपोर्ट पालिका के कर्मचारियों के द्वारा पुलिस को दी गई, जिसमें उन्होंने भोजक पर परेशान करने का आरोप लगाया, और अब लाडनू पुलिस ने ईओ की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद से सभी नगर पालिका के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों की मांग थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कार्य का बहिष्कार रहेगा, और तब डिप्टी विक्की नागपाल और थाना अधिकारी रामनिवास मीणा सभी कार्मिकों से समझाइश कर 48 घंटे में जांच कर गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। मामले की जांच डिप्टी विक्की नागपाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईओ जितेंद्र मीणा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मेरे साथ में राजेश भोजक और दो अन्य साथी हैं जो इसमें आए थे, अपने इसमें कमरे वगैरह बंद कर लिए थे। मुझे मतलब इसमें डराने धमकाने, इसमें गाली ग्लोज करने लग गए, कॉलर पकड़ने लग गए, और इसमें फाइल दिखाने के लिए मुझे इसमें मजबूर किया, फोर्स किया, जिसके लिए मैं इसमें सुसाइड वगैरह इसकी स्थिति में आ गया, मानसिक तनाव हो गया। पालिका लाडनू में राजेश भोजक और दो अन्य व्यक्तियों के साथ आते हैं, और राजेश भोजक इन लोगों ने पहले भी महीने भर, दो महीने पहले ये सभी कर्मचारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड की फाइल उठा के ले जाते हैं और फोटो वगैरह खींच लाते हैं। तो आज मेरी मीटिंग थी, वीसी थी 11 बजे, तो मैं जैसे जाने लगा तो कमरा बंद कर लेते हैं, दो तीन व्यक्ति आकर मुझसे गाली गलौज अभद्र भाषा करते हैं और मेरे को जाति सूचक वाक्य कहते हैं, मीणा ढेर चमार जो भी कुछ, उसके विरुद्ध मैं थाने में उपस्थित होकर मैंने व्यक्तिगत एक मुकदमा तो मैंने व्यक्तिगत किया, सभी कर्मचारियों ने एक एप्लीकेशन एसएचओ साहब को दी है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धंदे और बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, भाजपा नेता बालाराम मूर्त सहित बड़ी संख्या में बाबा के श्रद्धालु मारवाड़ के लोक देवता सिद्धश्री खेमा बाबा के मेले में पहुंचे। इस दौरान मंदिर परिसर में भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई और इस दौरान शामिल सभी जनप्रतिनिधिगण भजन मंडली के पास बैठकर भजनों का श्रवण करते हुए नजर आए और रूपाराम धंदे भजनों पर मंजीरे जाते हुए दिखाई दिए। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर खेमा बाबा के दरबार में दर्शन पूजन कर प्रसाद चढ़ाकर परिवार और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। ये खेमा बाबा का मेला 3 दिन तक चलेगा। पाली में जारी बारिश के बाद किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। पाली के मारवाड़, गोडवाड़, कांटा और आडवल क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते खेत में लहरा रही फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों के खेत में पानी भरने से किसान कर्ज में डूबे हैं। बारिश के चलते कपास, मूंग, चावल,
उड़द मक्का तिल की फसलें खराब हो गए। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं भारतीय किसान संघ ने भी अतिवृष्टि से हुई किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार से उचित मुआवजे सहित राहत पैकेज देने की मांग की है। देसुरी क्षेत्र के अंदर कृषि विभाग द्वारा कृषकों के कहने पर सर्वे किया गया तो अतिवृष्टि के कारण फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके लिए कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस समस्या समाधान के लिए और फसलों में नुकसान के लिए प्रेषित किया गया है, सूचित किया गया है। साथ ही मुआवजे के लिए उचित कार्रवाई हेतु विभाग के कार्मिक को उच्च अधिकारी। जालौर के भीनमाल में पुलिस की महिला के साथ मारपीट मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में सीओ अनुराज सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र पुरोहित को गिरफ्तार किया है। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के जुड़े आरोप में टेंट व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर रद्द। हाईकोर्ट ने 4 महीने पहले नाबालिग से दुष्कर्म से जुड़े आरोपी के पॉक्सो मामले में एफआईआर रद्द की है। हाईकोर्ट ने रवि जिंदल के खिलाफ विद्याधर नगर पुलिस थाने में 29 अप्रैल 2024 को दर्ज एफआईआर को रद्द किया है। पीड़िता ने प्रार्थी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आग्रह किया और उसके बाद हाईकोर्ट का ये फैसला। पीड़िता ने ट्रायल कोर्ट में अपने बयान में कहा, मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती। भरतपुर के बयाना की ग्राम पंचायत बीरमपुरा गांव में शमशान में टीन शेड नहीं होने से तिरपाल लगाकर महिला का अंतिम संस्कार किया गया। बारिश बंद नहीं होने के कारण कड़ी मशक्कत के बाद शमशान घाट में तिरपाल लगाकर महिला के शव का अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट के विकास के लिए ग्राम पंचायत से लाखों रुपए की राशि जारी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी टीन शेड नहीं डलवाया गया। ग्रामीण कई बार ग्राम विकास अधिकारी को समस्या से अवगत भी करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे सरपंच से लेके सांसद और विधायक जी से आग्रह करता हूँ, जो आज बरसात का मौसम था, समय ना रहते हुए उनका अंतिम संस्कार करना था, अंतिम संस्कार के समय आज पूरे दिन बरसात रही है, जिस वजह से अंतिम संस्कार करने के लिए जो शादियों में टेंट लगाया जाता था, उस तरीके से टेंट के पोल लाए गए। पोल लाने के बाद दूसरे से टीन के थान डाले, उसके बाद उसका